सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक मैरीटाइम पवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं 2 इयर्स का, या जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, या जो लोग के पास फिटर का एक्सपीरियंस है, कहीं स्टोर में जॉब कर रहे हैं, कहीं शिपयार्ड में जॉब कर रहे हैं, उनको सैलरी कम मिल रहा है बट उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो लोग मर्चेंट में कैसे स्विच हो सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, आज हम इस वीडियो में फुली कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसा है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसा कम है तो वो मैं बाद में बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास 4.5 लाख रुपये तक का बजट है, अगर आप 4.5 लाख रुपये कर सकते हैं, तो आपने अगर आईटीआई किया है तो आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट से आप जीपी रेटिंग कोर्स कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ओनली आईटीआई कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। अगर चाहे आप आईटीआई फिटर हो, मैकेनिकल से हो, मरीन फिटर हो, टर्नर हो, बेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी आईटीआई रैंक से अगर आप हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाता है। 4.5 लाख रुपये के अंदर आपका जीपी रेटिंग कोर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा और आपको 100% जॉब भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो एज ए ट्रेनिंग फिटर आपको ये लोग ज्वाइन करा देंगे, एक या दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आप फिटर बन जाएंगे। और फिटर का सैलरी तो आप जानते ही हैं, चाहे आप डेक से हो या इंजन से हो, डेक और इंजन के क्रू से फिटर की सैलरी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होता है और यहाँ पे गूगल पे जाके इनका कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमको एडमिशन लेना है करके, क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो लोग आपको फाइनली बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एक सिंपली छोटा सा इंटरव्यू ये लोग कराते हैं। इंटरव्यू अगर आपने 1 या 2 महीना प्रिपरेशन कर लिया तो आप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछते, बस आपके बारे में पूछेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे आप क्या है, रिसेंट मैरीटाइम न्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, मैरीटाइम का कुछ अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, व्हाई डिड यू चूज मर्चेंट नेवी, या व्हाई डिड यू चूज दिस कॉलेज, ऐसा करके कुछ एक दो क्वेश्चंस स्पोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं। जस्ट नॉर्मल आपको टेंथ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कुछ फार्मूलाज पूछ सकते हैं या आपको कुछ डिफिनेशंस नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आप निश्चित फिटर बन गए, आप समझ लीजिए कि आप फिटर बन गए यहाँ पे, क्योंकि जॉब 100% है, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। और इस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, अगर आप डेक और इंजन में इंटरेस्ट रखते हैं कि मेरे को बाइपर या ओएस में जाना है, तो वहाँ पे उस एडमिशन होने कंप्लीट होने के बाद में भी आप डेक और इंजन में भी जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या करें? अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप आईटीआई किए हैं और आपके पास फिटर का एक्सपीरियंस भी है, तो आप ओपन सीडीसी निकाल लो। 15 से 20 दिन का कोर्स है, 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, आप ओपन सीडीसी निकाल लेंगे। इसके बाद 4G 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट आपको ले लेना है किसी, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में, सीडीसी निकालने के बाद में, आपका कोई रेफरेंस हो या आपका कोई रिलेटिव हो या आपके जानकारी में कोई अच्छा एजेंट हो या आप कोई आरपीएसएल ऑफिस में जाके अपना रिज्यूम सबमिट करें, उनसे बात करें, परमानेंट कंपनी में थोड़ा पैसा लगा के परमानेंट कंपनी में आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में एज ट्रेनिंग फिटर 1 या 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तो इसके बाद में आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सी लाइन का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आप दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे तो आप उधर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप 4.5 लाख नहीं कर सकते, तो ओपन सी डी सी निकाल के ऐसा ऐसा सिस्टम से आप ज्वाइन करो। तीसरी चीज़ क्या है कि जॉब क्या है, जॉब क्या रहती है शिप पर फिटर का? तो वही है, आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा, असिस्ट इंजीनियर, इंजीनियर के साथ में आपको काम करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको कटिंग आना चाहिए, लेथ मशीन पे आपको काम करना आना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं किताबी नॉलेज, आपके पास फिटर, आपने आईटीआई किया है तो आपके पास किताबी नॉलेज है, नहीं, आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फिटर को अगर प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा तो उस शिप पे क्या करेगा, उसको तो शिप पे काम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है आप शिप पे जाएंगे और आप आराम से टाइम निकाल लेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। तो आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपने आईटीआई किया है और आप फिटर से ही जाना चाहते हैं तो आप टीएस रहमान और नूसी से भी कर सकते हैं, उधर से भी आपको प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उधर से भी अगर आप करना चाहते हैं तो उनका भी एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन बस याद रहे कि थोड़ा लेट करें,
एक महीना, दो महीना बाद, चार महीना बाद, एक साल बाद कोर्स करें, लेकिन आप जहाँ तक उम्मीद है आप ग्रेट डिस्टेंस से ही करें, क्योंकि वहाँ पे जॉब के जो परसेंटेज के चांसेस हैं वो 100% है, और ओपन सीडीसी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो जॉब के चांसेस हैं वो थोड़े कम हैं। और फिटर का सैलरी आप समझ लीजिए, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप 1,00,000 से ज़्यादा पर मंथ आप आराम से ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आपका हो जाता है, 1 से 1.5 लाख तक आप पर मंथली ले सकते हैं एज ए फिटर इस लाइन में। तो आप जहाँ पे 10 से 15 हज़ार में काम कर रहे हैं वो छोड़िए, थोड़ा पैसा अर्न करिए और द ग्रेट डिस्टेंस से आप जीपी रेटिंग करके इस लाइन में कूद पड़िए और अच्छे से अच्छा पैसा आप अर्न करिए। तो बस इतना ही बोलूँगा इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मर्चेंडरी से रिलेटिव वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो हमारे पेज पे जाके आप उनको देख लीजिए। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।